नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं BPCL स्टॉक के बारे में। आज के दिन देखिए मार्केट क्लोज होने में अभी 20 मिनट बाकी है और शेयर दिन भर के हाईएस्ट पॉइंट के पास ट्रेड कर रहा है। करीब 3% की तेजी बनी है। यहाँ एक अपडेट आई है जो कि ज़बरदस्त है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए खबर आ रही है, सरकार ने जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र इसके विनिवेश के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने सरकार को जानकारी दी है कि कई ईओईज मिली है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कई अलग अलग कंपनी से इनको प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी वित्त मंत्री ने संसद में आज की डेट में दी है। इसके चलते स्टॉक में तेजी आप देख रहे हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि आज के दिन 80 पैसे डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, तो इन कंपनियों को इसके बढ़ने से फायदा होता है। BPCL की विनिवेश प्रक्रिया दूसरे चरण में पहुंच चुकी है, ये एक बड़ी खबर है BPCL के लिए आज की डेट में। और उसके आगे अगर बात करें तो देखिए फिलहाल के मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के लिए टारगेट इनिशिएट किया गया है 380 से 385 की रेंज का, और इमीडिएट हर्डल की अगर बात करेंगे तो वो 370 की रेंज पे है। तो देखिए अगेन आते हैं चार्ट पे, 370 की रेंज पे इमीडिएट हर्डल अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर 375 और 80 की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आने वाले वीक्स में आप मोमेंटम उम्मीद करते हैं अगर बनता है और इसके बारे में और भी आगे विनिवेश के बारे में और डेवलपमेंट होता है तो स्टॉक 400 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, यानी करीब आने वाले 1 से 1.5 महीनों में। ये खबर यहाँ पे BPCL के लिए। और अब भी लंबी अवधि के लिए डाइवेस्टमेंट के टारगेट के अचीव करने के चलते कोई इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस आया था कि स्टॉक ने 330 का भी लो लगाया था रिसेंटली, वहाँ अगर किसी ने ले लिया है तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, उसको होल्ड करिए आराम से। डिविडेंड किंग है, काफ़ी तगड़े डिविडेंड अब तक पिछले 1 से 1.5 साल में स्टॉक ने दिए हैं। तो ये जानकारी फिलहाल के लिए कमेंट कर बताएगा कि आपने इसको बाय किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।